वहीं केंद्र की तरफ से लागू किए गए 3 अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी अब प्रदेश में किसानों का गुस्सा उफान पर है। अखिल भारतीय किसान सभा गुरुवार के दिन डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र उचाना पहुंचकर उनके कार्यालय का घेराव करेगी। उसके बाद प्रदेश के तमाम जिलों में किसानों की तरफ से धरने की शुरुआत कर दी जाएगी। केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 अध्यादेशों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा आर पार की लड़ाई के मूड में है। साफ तौर से किसानों की तरफ से ये बात कह दी गई है कि तीनों अध्यादेशों को वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों अध्यादेशों से किसान और किसानी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एक पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से। क्या है वो रणनीति, वो भी आपके सामने हम बताने का काम करेंगे। बहरहाल हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिला सचिवालय के बाहर और यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं और अध्यादेश के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। मुझे ये बताइए कि तीनों अध्यादेशों को लेकर किस तरह की रणनीति आप लोगों की तरफ से विरोध को लेकर तैयार की गई। देखो जी, 3 अध्यादेशों को लेकर के सारे भारतवर्ष में किसान संगठनों का, यहाँ पर हमारी किसान सभा का विरोध जारी है पिछले एक महीने से। इसी के तहत किसानों ने जहाँ पर पिपली में रैली की थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारे साथ लगती स्टेट पंजाब की सरकार ने अध्यादेशों को खारिज कर दिया स्टेट लेवल पर। हम ये चाहते हैं किसान और मजदूर हितैषी है तो ये हरियाणा गवर्नमेंट भी इन तीनों अध्यादेशों को हरियाणा में खारिज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जो फार्मूला यहाँ पर लागू नहीं हो सकता, स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार हैं। लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है हमारे देश के, हमारे सूबे के किसान और मजदूर को खत्म और सत्यानाश करने के ऊपर तुली हुई है। उनके विरोध में यहाँ का जो रिवेन्यू मिनिस्टर है, सीधा किसानी से, खेती से जिसका संबंध है, किसान का बेटा कह करके वोट लेकर के वो विधानसभा गया और मुख्यमंत्री बना बैठा दुष्यंत चौटाला। किसानों पर लाठीचार्ज और तीनों अध्यादेशों फसल खराबे को लेकर आज तक उसका कोई बयान नहीं आया। हम इसके विरोध स्वरूप कल यानी 17 तारीख को जहाँ से MLA बन के आया उचाना से, उचाना में उसका विधानसभा क्षेत्र में उसके दफ्तर का घेराव करने के लिए कल 10 बजे 17 तारीख को कपास मंडी में किसान सभा के नेतृत्व में हजारों किसान वहां पर इकट्ठे होकर उसके दफ्तर का घेराव करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। उसके बाद तीनों अध्यादेशों को लेकर के, उनको खारिज करवाने को लेकर के ऑल इंडिया में, सारे भारतवर्ष में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर किसान सभा की तरफ से भारी रोष स्वरूप विरोध प्रदर्शन किया जाएगा 20 सितंबर को। कल अलग अलग किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन दो फाड़ अब किसान संगठन हो चुके हैं अध्यादेश को लेकर। ऐसे में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसानों में अब आपसी जो एक विवाद पैदा कर सरकार यहाँ फायदा लेने के मूड में। देखिए, ये तो किसान की नीतियाँ है, बांटो और राज करो वाली, वो कुछ की सरकार की नीति है, कुछ संगठन सरकार के कहने में नीचे ही नीचे आ जाते हैं। वास्तव में 3 अध्यादेश किसानों के विरुद्ध हैं, ये काले अध्यादेश हैं, इससे किसानी कृषि खत्म हो जाएगी, कॉरपोरेट के गुलाम कृषि किसानी हो जाएगी और आम किसान जो अभी अपना गुजारा कर रहा है वो गुजारा बिल्कुल भी नहीं होगा उसका। अभी यहाँ पर हरियाणा में कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, जिसमें विजेंद्र और धर्मवीर और नायब सैनी है। अगर ये बोलते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बोलता किसान हितैषी है, यहाँ के JP दलाल साहब बोलते हैं कृषि मंत्री की ये किसान हितैषी है, तो जब किसान हितैषी है तो इतना प्रचार, इतना कमेटी घोषणे करने की क्या जरूरत है। लोग है ना हंसके इसको अपना लेते, इसकी तो वाई वाई करते। वास्तव में ये किसान विरोधी है और ये जबरदस्ती लगा रहे हैं, इसको खारिज करना चाहिए, बिल्कुल विधानसभा से खारिज करना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दो टूक ये कह दिया कि सुझाव या आपत्ति अगर किसानों की है तो दरवाजे खोले हैं वरना अध्यादेश लागू रहेंगे। हाँ जी, देखो कृषि मंत्री तो ये कहता है फसल कोई बर्बादी नहीं हुई, जबकि इस प्रदेश का मूंग और नरमा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। प्रदेश का कृषि मंत्री ये कहता है इन अध्यादेशों से कोई नुकसान नहीं है। कल हम उकलाना के अंदर आढ़ती और किसानों की मीटिंग कर रहे हैं, आज हमारी हिसार के अंदर आढ़ती और किसानों की मीटिंग है, बाढ़ संबंध के अंदर इसी तरह आज का अनाज मंडी के अंदर, मतलब है आढ़ती किसान और खेत मजदूर कल हजारों की तादाद के अंदर उचाना जा रहे हैं। कृषि मंत्री जब इतने बड़े विरोध स्वरूप धरने प्रदर्शन हो रहे, एक मंत्री गृह मंत्री तो कहता कि प्रदेश के किसानों पर लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, मांग करते हैं कि इस धरने के माध्यम से
कि प्रदेश के गृह मंत्री को अगर शर्म है तो रिजाइन कर देना चाहिए, अगर रिजाइन नहीं तो खट्टर साहब इसको इसको डिसमिस कर देना चाहिए। जो ये कह रहा है गुंडू के रूप में इसने पुलिस को पेश करा है, देश के और प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ जो सिविल ड्रेस के अंदर किसानों के ऊपर लाठियां। चलिए मुझे ये बताइए, हिसार और बालसमंद के अंदर यहाँ मुआवजे की मांग के साथ, खराब फसलों की मुआवजे की मांग के साथ आप लोगों ने धरने की शुरुआत की थी, अब जिला प्रशासन की तरफ से आपकी तमाम स्पेशल गिरदावरी की मांगों को मान लिया गया, तो आखिरकार ये धरना आप क्यों नहीं हटा रहे? नहीं माने गए जनाब, झूठा मतलब जो लगी सर्कुलर है कल ये लिख रहा क्या सब विलेजेस, सब विलेजेस का मतलब है जो इसके मंत्री और जो एमएलए जिन गाँव की लिस्ट देंगे उन्हीं की गिरदावरी होगी। पहले ओलावृष्टि और अंदर के अंदर जो बर्बाद फसलें हुई थी जहाँ भारी नुकसान था, 90% फसल खराब हो गई थी, उनका वो कुछ नहीं मिला। हम कहते हैं सम को उठाकर पूरे हिसार जिले के अंदर जहाँ फसल खराब है, चाहे वो मूंग की है, नरमे की है, गुआर की है, बाजरे की है, और अब तो जीरी के अंदर भी जो नहीं है चेप हुआ सफेद मक्खी बढ़ चुका है, वहाँ पूरी गिरदावरी होनी चाहिए। जब तक गिरदावरी नहीं होगी किसान सभा का आंदोलन जारी रहेगा, और जब हमें गांव के अंदर पटवारी नंबरदार और किसान सभा के साथ ये कह देंगे कि वाकई में गिरदावरी ठीक संतोषजनक होगी तो हम आंदोलन को जो है सस्पेंड करेंगे, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की राह पर आगे बढ़ने की बात किसान साफ तौर से कह रहे हैं, तीनों अध्यादेशों को लेकर एक पूरी रणनीति यहाँ तय कर ली गई है। निशाने पर अभी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हैं, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना में पहुंचकर हरियाणा भर से किसान अपने गुस्से का इजहार करेंगे, और हरियाणा की सरकार से मांग ये कि पंजाब की तर्ज पर तीनों अध्यादेशों को हरियाणा में भी खारिज करने का काम करे हरियाणा की मनोज सरकार। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।